हेलो एवरीबॉडी, पिछले पार्ट में हमने नाउन कर लिया था और अब आपके सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये भी पहचान कर पा रहे होंगे कि ये सभी शब्द नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आयुष, नीरू, यह है ये नेम ऑफ पर्सन। टेबल, टीवी, नेम ऑफ थिंग्स। रिवर, माउंटेन्स, हिसार, इंडिया, सभी क्या हैं, नेम ऑफ प्लेस। टाइगर, एनिमल। अर्थक्वेक, इवेंट। तो ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे नाउन। आज हम इसी कैटेगरी में आगे चलते हैं अब और हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम दोबारा से यूज करते हुए टाइप्स ऑफ नाउन करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, सबसे पहला है कॉमन नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में भी आपने इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम आज करेंगे, ये एक साथ ही पढ़ेंगे हम, और बाकी नाउन्स को हम बाद में करेंगे। जैसे मैं कुछ नाम लिख रही हूँ आपके आगे, हमने पहले जो नाम लिखे थे उन्हीं में से हम फिर से नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला ही नाम लिखा था आयुष। अब आयुष एक बच्चे का नाम है। आयुष इज अ बॉय। यहाँ पर आयुष नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन आयुष क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। एक पर्टिकुलर नाम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी पर्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। गंगा इज अ होली रिवर। अब यहाँ पर गंगा जो है एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, सभी नदियों का नाम गंगा नहीं होता, तो पर्टिकुलर हो गया तो प्रॉपर नाउन। और रिवर है, रिवर तो नदियां तो बहुत सारी होती हैं, तो कॉमन नाउन। और आगे चलते हुए हम और भी एग्जांपल्स इसी तरह ले सकते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ और आपको और एग्जांपल हम करते हैं इसी में। तीसरा, जैसे कोई हम मटेरियल या कोई चीज़ के लिए अगर हमें कुछ लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलो इज द कंपनी विच मेक पेन। अब पेन यहाँ पर कोई भी हो सकता है और सेलो एक कंपनी का नाम है,
तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन, और ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपने एक विशेष बात ये भी देखी होगी कि प्रॉपर नाउन जितने भी मैंने लिखे सब में पहला अक्षर कैपिटल, कैसा लिखा अक्षर कैपिटल, तो प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर, बट देयर इज नो सच रूल फॉर कॉमन नाउन। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाइए हर वर्ड के साथ, और जो वर्ड्स हमने लिखे थे आप उनके साथ सेंटेंसेस बनाइए, और इन दोनों नाउन्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।